एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं वन पॉट पास्ता। इसके लिए पहले आप एक कुकर या कढ़ाई में 2 या 3 टेबलस्पून ऑयल डालिए। तेल गरम होने के बाद 1 टीस्पून जीरा डालिए। उसमें चॉप्ड अनियंस, प्याज के पकने के बाद बारीक कटा हुआ टमाटर डालिए। टमाटर के पकने के बाद 2 या 3 हरी मिर्च, इसमें आप तोड़े हुए कड़ी पत्ते डालिए। इन सारी चीज़ों के पकने के बाद इसमें 1 कप और आधा कप पास्ता डालिए। आप कोई भी पास्ता को डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर स्प्रिंग पास्ता को डाला है। आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। उसमें 1 कप पानी डालिए। इसमें 1 स्पून नमक, 1/2 स्पून गरम मसाला और 1 स्पून लाल मिर्च डालिए। अच्छी तरह मिलाने के बाद उसमें 1/2 स्पून हल्दी डालिए। इसमें थोड़ा सा धनिया। आप कोई सब्जी को स्किप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कुकर की ढक्कन लगा दीजिए। 1 विजिल के बाद, स्टीम जाने के बाद आप एक और बार ढक्कन खोलकर मिक्स कर दीजिए। वन पॉट पास्ता रेसिपी बहुत आसान है और आप डिनर में भी बना सकते हैं या फिर लंच में भी बना सकते हो। ये रेसिपी बनाना आसान भी है और बहुत कम समय में आप बना सकते हो। ये खाने में भी बहुत अच्छा होती है।